फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है? कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलता है, जैसे ही इज ऑन, ही इज इन और ही इज एट, या आई एम ऑन, आई एम इन या आई एम एट, यू आर ऑन, यू आर इन या यू आर एट। तो आइए फ्रेंड देखें कि इसका सही यूज क्या है, कब आप इन, कब आप एट और कब आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले देखें कि आप ही इज ऑन का इस्तेमाल कब करेंगे। ही इज ऑन का इस्तेमाल तब करना है जब आपको कहना हो कि कोई इंसान काम पर है, यानी कोई इंसान अपने काम पर लगा हुआ है। जैसे वह काम पर है, ही इज ऑन वर्क। वह ड्यूटी पर है, ही इज ऑन ड्यूटी। वह अपने लैपटॉप पर है, ही इज ऑन हिज लैपटॉप। फ्रेंड्स, मैंने बोला वह अपने लैपटॉप पर है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। अगर आपको कहना हो कि वह खाना पकाने के काम में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी इज ऑन कुकिंग, यानी वह कुकिंग के काम पर है, वो इस काम को कर रही है। आइए फ्रेंड देखें कि अब ही इज एट का इस्तेमाल कब करना है। ही इज एट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप किसी जगह की बात करें, यानी जब आपको कहना हो कि कोई इंसान किसी जगह पर है। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह बैंक पर है, तो आप कहेंगे ही इज एट बैंक। वह पोस्ट ऑफिस पर है, ही इज एट पोस्ट ऑफिस। अगर आपको कहना हो कि वह हजाम की दुकान पर है, तो आप कहेंगे ही इज एट द बार्बर शॉप। वह शॉपिंग मॉल पर है, ही इज एट द शॉपिंग मॉल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि ही इज एट का इस्तेमाल या आई एम एट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप जगह की बात करें और आप ये बताएं कि कोई इंसान किसी जगह पर है। आइए फ्रेंड देखें कि ही इज इन का इस्तेमाल कब करना है। ही इज इन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि कोई इंसान किसी जगह में है, यानी उस जगह के अंदर है। जैसे वह अपने कार में है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज इन हिज कार। वह अपने कमरे में है, ही इज इन हिज रूम। वह ऑफिस में है, ही इज इन द ऑफिस। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ही इज इन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप ये बताएं कोई इंसान किसी जगह के अंदर है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हों कि एट और इन दोनों का यूज हम जगह के लिए करते हैं, फिर दोनों में फर्क क्या है। जैसे ही इज एट द शॉपिंग मॉल और ही इज इन द शॉपिंग मॉल। फ्रेंड्स, ये सच है कि दोनों से जगह का पता चलता है, लेकिन हम एट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई इंसान शॉपिंग मॉल पर है, यानी शॉपिंग मॉल के बाहर है। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि वह शॉपिंग मॉल के अंदर है, तो हम एट के जगह पर इन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज एट द ऑफिस और ही इज इन द ऑफिस। यहाँ पहले सेंटेंस का मीनिंग है कि वह ऑफिस पर है, जबकि दूसरे सेंटेंस का मीनिंग है कि वो ऑफिस के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।